Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है, तो इंडिया वर्सेस एनडीए को लेकर कड़ी टक्कर माना जा रहा है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीटों वाला कहीं ना कहीं राज्य है, तो वहां पर लेकर तमाम जो पार्टियां हैं, लोगों की नजरें टिकी हुई है कि आखिरकार एनडीए और इंडिया में किस तरीके का टक्कर होगा। तो आपको पता होगा कि इंडिया में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, चाहे अखिलेश यादव की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, और भी तमाम जो दल हैं वो इंडिया के साथ हैं, तो वहीं एनडीए के हिस्से में भी कई सारी पार्टियां हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी की नज़रें टिकी हुई है तो वो मायावती यानी कि बहुजन समाज पार्टी की टिकी हुई है कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती किसकी ओर जाएंगे। इस कड़ी में लोकसभा चुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने वाली है। बता दें कि केंद्र की सत्ता से बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन नाम से नया मोर्चा बनाया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सपा इंडिया गठबंधन का प्रमुख हिस्सा है। मायावती पर विपक्षी दलों के मोर्चे में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। सत्ता पक्ष की तरफ से बने एनडीए गठबंधन को भी मायावती से उम्मीदें थी। गठबंधन पर बसपा ने रुख किया स्पष्ट। बसपा ने स्पष्ट कर दिया है कि मायावती किसी भी पार्टी के खेमे में नहीं जाएगी। लखनऊ के पार्टी कार्यालय में बसपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि बसपा दोनों गठबंधन से दूरी बनाकर अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। मायावती ने गठबंधन के सिलसिले में फैलाई जा रही भ्रामक खबरों से नेताओं को सावधान किया। उन्होंने कहा कि बीएसपी विरोधी ताकतें दुष्प्रचार से काम ले रही हैं। जनहित और जन कल्याण पर मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस को रवैयों को एक माना है। उन्होंने कहा है कि ज्वलंत समस्याएं जैसे महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, आय में कमी, बदहाल सड़क, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य के मुद्दे दिलो दिमाग पर हावी जरूरी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में गंभीर मुद्दा बनने की संभावनाओं पर कहना जल्दबाजी होगा। वहीं बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस पर मायावती ने बहुत कुछ बोला। उन्होंने कहा कि जनकल्याण और जनहित के मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस का रवैया लगभग एक जैसा है। मायावती ने कहा कि एससी एसटी और ओबीसी को मिले आरक्षण के अधिकार को निष्प्रभावी करने की कोशिश जारी है। ऐसे में आरक्षण को बेरोजगारी दूर करने का कारण नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने जातिवाद के आधार पर आर्थिक शोषण, नाइंसाफी और गैर बराबरी पर भी चिंता जताई है। मायावती ने कहा है कि समाज और सरकार में गैर बराबरी वाली नियत और नीति जारी रहेगी, तब तक आरक्षण का सही लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा। बैठक में मायावती ने बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एक शख्स की सजा घोषित होने से पहले पूरे शनिवार को दंडित किया जाना घोर जन विरोधी कदम है। इससे आम जगजीवन प्रभावित हो रहा है और लोगों की परेशानी बढ़ रही है। तो मायावती का ये रुख रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में बताइए।